दमोह के गंगा जमुना स्कूल को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। इस मामले को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान भी दिया है। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा है कि आज से पुलिस एक्शन लेकर 4 दिनों से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। जांच के आदेश पहले ही दे दिए थे। हमने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि जो भी प्राथमिकी जांच में निकल कर सामने आए उसके तहत वैधानिक कार्यवाही की जाए। पहले दिन ही इसके जांच के आदेश दे दिए थे। हम 4 दिन से लगातार प्रमाण इकट्ठित कर रहे थे, बयान भी ले रहे थे, बच्चियों के बयान भी हो गए। इस तरह की जो मानसिकता है इसको मध्य प्रदेश में पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। मैंने पुलिस को निर्देश दिए कि प्रथम दृष्टया जो जानकारी आई है उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई आज पुलिस करेगी। उसमें जो भारत के नक्शे में छेड़छाड़ का आया है उसके भी मैंने आज जाँच के आदेश दे दिए। अभी प्रथम दृष्टया रिपोर्ट आई है, आज विस्तृत आ जाएगी, पर अगर इस तरह की भी कोई जानकारी आएगी तो कार्रवाई उस पर भी होगी। ये जो स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने बोला है, मैं आज उनसे भी बात करूंगा और उन बिंदुओं को भी हम लेंगे। उसमें वैधानिक हो गई। कर्नाटक में बिजली के दरों में बढ़ोतरी कर दी। एक गाना था ना पुराना, आपने सुना होगा, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कांग्रेस के लिए ये कर्नाटक में ये कांग्रेस जो बिजली माफी की बातें करती थी और बिजली के बिल बढ़ा दिए, इससे ज्यादा देश की जनता को समझने के लिए कोई बात हो नहीं सकती और इससे ज्यादा निंदा की कोई बात नहीं हो सकती। लगातार जनता को धोखा देना, किसान को धोखा देना, नौजवान को धोखा देना, आप कल्पना करें। मध्य प्रदेश में यही बात राहुल गांधी जी कह गए थे, 2 लाख का 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। ना 2 लाख रुपए माफ हुए, ना मुख्यमंत्री बदला। यही स्थिति नौजवान के बेरोजगारी भत्ते की थी, यही कन्यादान के विवाह की थी। यहां भी कहा था कि अपने लिखित में जो इनके घोषणा पत्र था उसमें स्पष्ट रूप से वचन पत्र में डीजल पेट्रोल की कीमत कम करने का कहा और नहीं करा। ये सब चिंता और निंदा की चीजें होती जा रही हैं देश की जनता के साथ में, और कर्नाटक में तो हद कर दी, बिजली के दाम बढ़ा दिए उल्टे।